सभी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए जो कल एग्ज़ाम हो रहा है 9 तारीख को, जो कि हमारा पहला परख एग्ज़ाम है, उसके बारे में मैं संदेश देना चाहूँगा कि कल एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है उन बच्चों के लिए, कि उनके द्वारा जो भी कंटेंट अभी तक पढ़ा गया है स्माइल के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, कक्षा के ज़रिए, उसके लिए पहला एग्ज़ाम रखा गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर हमने 20 नंबर का एग्ज़ाम रखा है, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यह पेपर कल जैसे स्माइल के लिंक आते थे, ऐसे एक लिंक के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जिस बच्चे के पास प्रिंटर की सुविधा है वो तो वहीं पे डाउनलोड करके और इसको सॉल्व कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो टीचर के द्वारा वो प्रिंटेड जो पेपर है वो उसके घर तक पहुँचाया जाएगा। 13 तारीख तक ये टाइमलाइन दी गई है कि आप उसको टेक होम टेस्ट की तरह घर पे उसको करके और वापस स्कूल में जमा करा दें। स्कूल में जमा कराते समय ये ध्यान वो रखें कि जिस वर्कशीट के अंदर, जिसके अंदर आपने रफ काम जो किया है वो भी आप साथ में जमा कराएं, ताकि उसको पोर्टफोलियो के अंदर लगाया जा सके। सभी शिक्षक भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो भी उनका पेपर है उसको पोर्टफोलियो में लगाया जाए। इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे एक पर सब्जेक्ट के लिए, और उसी यही सिलेबस होगा जितना उनके द्वारा अभी तक पढ़ाया गया है। इसमें एक और बात है शिक्षकों के लिए कि जैसे ही 13 तारीख तक हमारे सारे पेपर्स हमारे पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद शाला दर्पण के ऊपर एक मॉड्यूल क्रिएट किया गया है, जिसके जरिए वो सारे नंबर्स पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो क्लास टीचर है वो नंबर उसके अंदर डालेगा, ताकि वो सारे नंबर एक जगह पे हमारे साथ आ जाएं। यह हर महीने जो हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का एक टेस्ट लिया जाए, और यह उस कड़ी के अंदर यह पहला टेस्ट है, और आगे भी इस प्रकार के टेस्ट लेते जाएंगे, ताकि बच्चों के अंदर एक भावना बनी रहे पढ़ाई की भी तरफ, और ताकि शिक्षकों के अंदर भी यह जोश और जुनून रहे कि वो आगे चल के और बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।